सांसद पप्पू यादव भी अब अपने तेवर में नजर आ रहे हैं। उनके तेवर से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होने वाला है तो लगता है कि वो कांग्रेस ही होगी, क्योंकि कांग्रेस को इस बात की उम्मीद थी कि पप्पू यादव या तो उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या फिर उनकी पार्टी का कांग्रेस में विलय हो जाएगा। लेकिन दरभंगा पहुंचे पप्पू यादव ने मीडिया के सामने ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि अब ऐसा होना मुश्किल ही लगता है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव है। लेकिन फिलहाल तो पप्पू यादव का बयान विपक्षी एकता को जबरदस्त झटका है। पप्पू यादव ने कहा है कि कांग्रेस के साथ साथ नीतीश और बीजेपी आरजेडी अकेले अकेले चुनाव लड़ के देख ले, तब उन्हें उनकी औकात का पता चल जाएगा। जिस कांग्रेस ने, हम तो कहते हैं एक बार सभी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ ले, औकात का पता सबको चलना चाहिए। बीजेपी नीतीश कुमार जी भी लड़ ले अलग, ट्विटर चौपाल लाल बबुआ जो है अहंकार में बहुत मस्त है, तो इनका अहंकार का भी पता चल जाएगा कि कितना। और अपने अपने जिला में चुनाव लड़े, गोपालगंज छपरा नालंदा, नीतीश जी नालंदा चल जाए, ये लोग गोपालगंज छपरा चल जाए, सभी लोग अपने अपने, कुछ लोग मध्य प्रदेश चल जाए, कुछ लोग पैरासूट से जो जो नेता बने अकेले चुनाव लड़े, औकात का पता चल जाना चाहिए कि इन लोग की औकात क्या है, कितना कितना। हम तो चाहते हैं कि हम भी अकेले चुनाव लड़े। मैंने ये बात कांग्रेस से भी कही, इन लोगों को एक बार पता चलना चाहिए कितने को ये प्रधानमंत्री। कभी मायावती को कहते हैं आप सबसे उपयुक्त, कभी ममता को कहते हैं उपयुक्त, कभी कहते हैं अभी कुछ नहीं। मतलब ये सो कितना बड़ा तोप खाना की आप यहां से बैठ करके आप किंग मेकर बन का सपना देख रहे। पप्पू यादव का वार पलटवार यही नहीं रुका, उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर भी जमकर निशाना साधा। पप्पू यादव का कहना है कि आज की आरजेडी और लालू की आरजेडी में बहुत फर्क है और मौजूदा दौर में ये लोग जमीनी राजनीति से ही दूर हो गए हैं। ये कब तक दही चूड़ा तिलकुट का इस्तेमाल करिएगा, कब तक? मुझे तो आश्चर्य होता है कब तक पैर छू करके और जाति का उन्माद। हम तो कभी कभी आश्चर्य लगता है, बड़ी बड़ी बात करते हैं ये लोग, चाहे वो भाजपा हो चाहे ये ट्विटर चौपाल चलाने वाला राजद, ये लालू यादव राजद नहीं, लालू यादव राजद बहुत पहले मृत प्राय हो चुका है, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के रास्ते पर चलने का प्रयास किया है। ये राजद अहंकारियों का, दुष्टों का, धूर्तों का जमात है। जो ट्विटर चौपाल की बात करता है, 2 लाख आदमी ट्विटर पर नहीं हो जिस का वोटर, और एफएस हत्या हो जाए वहां जाएंगे नहीं, बेटियों का बलात्कार होगा वहां जाएंगे नहीं, घर से निकलेंगे नहीं, खुद राजद के उपाध्यक्ष की मौत होती है, कई नेताओं की मौत होती है वहां जाएंगे नहीं, लेकिन ट्विटर चौपाल। एक तरफ भाई बहन प्राइवेट लिमिटेड राजद है, एक तरफ मदर लिमिटेड राजद है, और एक तरफ ट्विटर चौपाल राजद। पप्पू यादव का अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान वाकई महागठबंधन के लिए झटका हो सकता है, क्योंकि पप्पू यादव का कुछ सीटों पर खासा पकड़ है तो वो कुछ सीटों पर महागठबंधन को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में पप्पू यादव चुनाव में क्या करिश्मा करते हैं ये तो वक्त बताएगा। दरभंगा से प्रहलाद कुमार, बिहार तक।